नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल माइनो ऑनलाइन जैक पर। दोस्तों वीडियो SBI CSP के लिए है। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करूंगा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म प्रिंट के ऊपर। दोस्तों ये एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है और इसको मैंने प्रिंट किया, तो यहाँ पे प्रिंट में मुझे जो है थोड़ा बहुत आज चेंज देखने के लिए मिला। तो क्या है इस फॉर्म के ऊपर, इस फॉर्म के लिए क्यों मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आज आपको यहाँ पे बताऊंगा। आपसे विनती करूंगा आप वीडियो में बने रहे, लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों हम सभी CSP को यह बात पता है कि जो अकाउंट हम लोग खोलते हैं उसका रेफरेंस नंबर आता है, जो रेफरेंस नंबर हम सभी का खुद का अलग अलग रेफरेंस होता है। मेरा 1724, आपका 143, उसका 100, उसका 1278, कुछ तो अलग अलग रेफरेंस है। जो रेफरेंस से हम अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को प्रिंट करते हैं, उसके बाद में हम ब्रांच पे लेके जाते हैं, उसी रेफरेंस से मेकर चेकर किया जाता है। तो अभी यहाँ पे क्या जो है चेंजेस हमें देखने के लिए मिला इस फॉर्म पर। आज मैंने एक अकाउंट खोलने के लिए ट्राई किया, जब अकाउंट मैंने खोल रहा था, अकाउंट खोलते समय मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो इंस्टेंट अकाउंट मैंने सबमिट किया। सबमिट करने के बाद लास्ट में जब मैं थोड़ा फोकस किया, मुझे दूसरा रेफरेंस नंबर दिखाई दिया, दूसरे CSP का रेफरेंस नंबर दिखाई, तो वहां पे मैं थोड़ा घबरा गया था। अभी इसको क्या करना है, किसी और CSP का रेफरेंस नंबर निकल गया है। हम सभी को यह बात पता है कि जिसका रेफरेंस नंबर आएगा उसी CSP से अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को प्रिंट करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे जो नया चेंज हमने देखा है कि ये देखिए दूसरा CSP का रेफरेंस नंबर है, तो ये फॉर्म मेरे ID से प्रिंट हो गया है, मैंने प्रिंट कर लिया। तो यही बात जो है आपको इस वीडियो के जरिए बताना था। तो जैसे कि मैंने अकाउंट सबमिट किया, सबमिट करने के बाद रेफरेंस नंबर अलग आया, तो मैंने जो रेफरेंस नंबर देखा ये मेरा बगल वाला CSP का ही रेफरेंस नंबर है, यानी कि ये जो कस्टमर है मेरे यहाँ पे आने से पहले उस CSP पे गए थे, तो वहां पे कुछ एरर हुआ होगा जिसके तहत उन्होंने अकाउंट खोल नहीं पाया, उस CSP से वापस कर दिया। फिर कस्टमर मेरे पास आया और जब मैं यहाँ पे अकाउंट सबमिट करने लगा तो इजिली स्मूथली सबमिट भी हो गया और नंबर भी निकल गया, रेफरेंस का जनरेट हो गया। तब मैंने देखा रेफरेंस नंबर अलग है और मैं क्या करूं, तो उसी CSP को मैंने फोन किया। उस CSP को फोन करने के बाद वो बोला है ठीक है मैं आपको फॉर्म प्रिंट करके शाम को दे दूंगा, तो वो तो बात हो गया। लेकिन मैं अपने से एक ट्राई करके देखा कि ये जो रेफरेंस नंबर है दूसरा CSP का है, तो आज मैं इसको तहकीद करके देखूंगा, आज मैं यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाल के देखता हूँ प्रिंट होता है कि नहीं, जो कि पहले नहीं होता था। तो इसे मैं जब चेक करने गया तो देखा डिस्प्ले पर फॉर्म निकल गया, फॉर्म जनरेट हो गया, तो मैं अच्छे से गौर किया तो हाँ वो तो सही है, रेफरेंस सही है, यही कस्टमर है। देन मैंने इसको प्रिंट कर दिया और उस CSP दादा भाई को फोन किया, बोला कि आपको प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, मेरे ID से ये प्रिंट हो गया है और मैं खुद जमा कर दूंगा। तो इस वीडियो के जरिए आपको वो बात बता दिया। तो अगर आपके पास कोई दूसरा रेफरेंस आएगा तो आपको घबराना नहीं, आपको टेंशन नहीं करने का, उसी रेफरेंस को लेके आप फॉर्म प्रिंट कीजिए, डायरेक्ट फॉर्म प्रिंट हो जाएगा और आप कस्टमर का सिग्नेचर लेके डायरेक्ट लिंक ब्रांच में जमा कर दीजिए। यदि अगर दूसरे लिंक ब्रांच का होगा तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, अगर आप ही का लिंक ब्रांच का है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर दूसरे लिंक ब्रांच का है तो आप व्हाट्सएप के जैसे भी ग्रुप रहता है अपने BC का ग्रुप या तो अपने FI का ग्रुप, ऐसे उस ग्रुप पे आप रेफरेंस नंबर छोड़ के देखिए, पूछिए किसका रेफरेंस है, तो उनसे आप ले लीजिए PDF लेके आप उनको फिर वापस कर दीजिए। और एक बात जो है यहाँ पे मैंने गौर किया है, जो आपका 4 नंबर पेज पे CSP का स्टैम्प लगाने की जगह होता है, यहाँ पे होता है KO नेम, KO ID, सिग्नेचर, ये जो बॉक्स है इस बॉक्स पर मेरा ही नाम आया है, मेरा ही ID आया है, तो यानी कि फॉर्म मेरे यहाँ से प्रिंट हुआ है, तो मैं अपना स्टैम्प लगाऊंगा, अपना स्टैम्प लगा के लिंक ब्रांच पे जमा कर दूंगा। तो वीडियो कैसा लगा, आई होप आपके लिए फायदेमंद हुआ होगा। अगर आपके लिए फायदेमंद हुआ है तो आपसे विनती करूंगा आप वीडियो पे लाइक कमेंट करें, आपको अगर कुछ भी बताना है तो आप वीडियो पे कमेंट करें, उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो हमेशा इसी तरह SBI CSP वीडियो इस चैनल पर बनते हैं। आपसे आखिरी बार विनती करूंगा कि आप हमारे चैनल से भी जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।